हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत जबरदस्त चीज आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा डिमांड पर ये चीज लेके आया हूं कि आप यूपी स्पेशल की जीके पढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी इम्पोर्टेंस है। आप देख रहे हो यूपी ट्रिपल एससी का सिर्फ वीडियो ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम है यूपी स्पेशल पूछा ही जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में तो इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है, सब इंस्पेक्टर में भी रहता ही है, यूपी पीसीएस तक भी इससे क्वेश्चन बहुत मैच करेंगे, पीसीएस लेवल तक भी। ठीक है, तो हम थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा वीडियो मैं इसकी नहीं बनाऊंगा, 3 से 4 वीडियो में मैं इस पूरी यूपी स्पेशल जीके को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेचिंता हो जाइएगा, और अब कराऊंगा तो पूरा ही करा के छोड़ूंगा, और आप लास्ट तक देखोगे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मिलने वाली हैं, और ये गागर में सागर भरने की मैंने कोशिश की है। आपको लगेगा कि इस एक वीडियो से हमारा बहुत कुछ कवर हो गया, और लास्ट होते होते आप देखोगे कि आप बहुत कुछ सीख गए हैं यूपी के बारे में, जान गए हैं, पूरी जानकारी लगेगी आपको हो गई है। ठीक है, पर फिर भी मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें अभी भी छूट गई हैं, तो वो मैं 2-3-4 वीडियो में और लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए, इतिहास वैसे तो भारत का पढ़ो या उत्तर प्रदेश का पढ़ो, किसी का भी पढ़ो, बोरिंग ही होता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सन इसमें याद रखनी पड़ती है, बोरिंग तो होगा ही फिर। चलिए, कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा, और आपने अगर अभी तक कहीं से भी नहीं पढ़ा है ना ये, तो बिल्कुल आप यहां से पढ़ लीजिएगा, और आपको खुद ऐसा लगने लगेगा अब हमें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ गागर में सागर है, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में। तो 1836 ईस्वी से उत्तर पश्चिम प्रांत यूपी का नाम था, उत्तर प्रदेश के सारे पुराने नाम है जितने भी थे। ठीक है, और पहले कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन हम इतने से मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत चला आ रहा है यूपी का नाम। ठीक है, चलिए, तो 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, फिर आगरा एवं अवध। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत तो अभी भी है, लेकिन अब आगरा और अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत, क्योंकि ये दो क्षेत्र ही मेन थे यूपी में पूरा। ठीक है, और 1902 से आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, कि ये दो प्रांत है, इनका संयुक्त रूप है ये। ठीक है, आगरा अवध का संयुक्त रूप। ठीक है, अब आगे जब देखा तो इस संयुक्त को भी, इसको आगरा अवध को भी इस नाम से हटा दिया, सिर्फ संयुक्त प्रांत लगाया, लेकिन ब्रिटिश लगाने लगे 1921 से, कि ब्रिटेन के अधीन तो थे ही हम, तो ब्रिटिश संयुक्त प्रांत। आप कहो ये डेट बड़ी मुश्किल याद होंगी, दोस्तों लिख करके याद करो अगर मुश्किल हो रही है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, ये चीजें हैं तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, 1937 से, अब 21 से ये चला 16 साल करीब, और फिर 37 से संयुक्त प्रांत बन गया। मेन है हमारा ये यहां से, और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि संयुक्त प्रांत कब से नाम पड़ा, या तो 1921 मिलेगा या 1937 मिलेगा। बेस्ट उत्तर तो ये है, पर अगर 37 ना हो तो फिर आप 21 भी लगा सकते हैं, क्योंकि तब भी संयुक्त प्रांत था, लेकिन ब्रिटिश संयुक्त प्रांत था, यहां से फिर ब्रिटिश इस नाम से हट गया। 24 जनवरी 1950 को, अब आपको पता ही है यहाँ तो राज्यों के गठन हो गए थे, शुरुआत में 14 राज्य और कुछ केंद्रशासित 6 केंद्रशासित प्रदेश बने थे, तो उस टाइम पे 24 जनवरी, कई लोग 26 जनवरी भी मान लेते हैं इसको, लेकिन 24 जनवरी है एग्जैक्ट डेट। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 से ये उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 में सभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो सभी राज्यों में तो उत्तर प्रदेश भी आएगा, तो इसलिए पुनर्गठन भी, क्योंकि पुनर्गठन आपको पता ही है सभी राज्यों का करना पड़ा था, भाषाई आधार पर सबको पता है पहला राज्य पुनर्गठित कब हुआ था, क्योंकि पुनर्गठन आयोग की स्थापना है 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री थी, मुश्किल है पॉइंट, क्योंकि डेट्स याद करनी है, आगरा अवध रहा, उत्तर पश्चिम प्रांत रहा, ब्रिटिश संयुक्त प्रांत रहा, फिर अपना संयुक्त प्रांत बना, फिर यूपी बनाया जाके, तो ये जरूरी तो है। आगे राजधानियों की बात करेंगे, राजधानियां भी लगातार ऐसा नहीं है कि लखनऊ चली आ रही है हमसे, तो 1836 से मैं कहूं जब शुरुआत में आगरा अवध था, तो या उत्तर पश्चिम प्रांत ही था 1836 में, तो उस टाइम पर राजधानी आगरा रही थी, तो राजधानी इतनी ज्यादा नहीं बदली है। 1858 में अपने हिसाब से चेंज होती रही है राजधानी, ऐसा नहीं है कि जब राज्य का नाम बदलेगा तभी राजधानी चेंज होगी, तो ये आगरा से इलाहाबाद कर दी थी, और इलाहाबाद बहुत बाद तक रही है दोस्तों, 1935 से फिर लखनऊ कंटिन्यू चली आ रही है, तो 1858 से 1935 तक मात्र 12 साल ही रही थी आगरा, तो
1858 से 1935 तक फिर लखनऊ रही, सॉरी इलाहाबाद रही, 1935 में लखनऊ बनी, लेकिन यहां पर आंशिक रूप से इसको बनाया गया था, पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, तो 1950 से फिर पूर्णतः इसको राजधानी माना गया था, कि अब पूर्ण राज्य का दर्जा ही मिल गया था, पूरा उत्तर प्रदेश नाम हो गया था। जब से नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है तब से तो लखनऊ ही है, पूर्ण रूप से लखनऊ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये बात भी क्लियर हो गई। चलो एक छोटी सी जानकारी बीच में ले लेते हैं। यूपी में 3 जोन होते हैं, 18 मंडल होते हैं, 75 जिले, आगे भी बात करेंगे इसकी हम। तो 3 जोन, 18 मंडल, 75 जिले, ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो रट लीजिए, पॉइंट बीच में इसलिए दिया है ताकि याद हो जाए तब तक जाते जाते। आगे बढ़ते हैं, राजकीय है। अब राजकीय चीजें, राजकीय पशु क्या है, राजकीय भाषा क्या है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय पक्षी क्या है। देखिए, एक तो होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हो गया देश का, राजकीय राज्य के लिए, जो राज्य का राष्ट्रीय समझो। ठीक है, तो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा 1947 में देवनागरी लिपि, देखिए 1947 से ही देवनागरी लिपि में हिंदी हमारी राजकीय भाषा रही है, यूपी की बात चल रही है सिर्फ ये। तो 1947 से ही देवनागरी लिपि में जो हिंदी कौन सी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और भी हिंदी लिखने के तरीके होते होंगे लेकिन हमने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को अपनाया। ठीक है, सभी कार्यालयों के राजकीय भाषा हिंदी अनिवार्य, सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी को अनिवार्य रूप से कर दिया गया था, सभी कार्यालयों की भाषा हिंदी ही होगी यूपी में। कब से किया गया ऐसा, 26 जनवरी 1968 से, ये भी आप याद रखिएगा, 1968 वो साल था जब कार्यालयों में जरूरी कर दिया गया था। अब तक क्या था कि अब तक तो कोई अंग्रेजी में सब में चल रहा था, लेकिन फिर 68 से राजकीय भाषा हिंदी। अब आप देखते हो यूपी गवर्नमेंट का कोई भी लेटर है तो वो हिंदी में ही होता है, अंग्रेजी वगैरह में नहीं मिलेगा आपको राजकीय लेटर। ठीक है, राजकीय पुष्प प्लास होता है, बिल्कुल प्लास होता है, आप याद रखिए, प्लास का फूल राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय खेल है हॉकी, हॉकी मतलब फील्ड हॉकी, और राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है, और यूपी का लोगो या राजकीय चिन्ह बोलो तो वृत्त के अंदर, दोस्तों वृत्त बना होता है, एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां तैर रही हुई होती हैं, चलिए कैसे ही बना लो अपना जैसे भी मन करे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मछली, मुझ पे तो बनानी नहीं आती पर ठीक है, मान लो ये 2 मछली है और इसके अंदर इन 2 मछलियों के बीच में धनुष बाण, धनुष कमान लगा हुआ होता है। अब आप धनुष बनाना, अब आप कहोगे मुझ पे वो भी नहीं आता है, तो दोस्तों ऐसे आप मान लीजिए ये धनुष कमान इस तरह से इसमें बना होता है, वृत्त होता है, 2 मछलियों के बीच में धनुष कमान। ठीक है, और ये 1938 में ये स्वीकार किया गया था। राजकीय जो खेल मैंने बताया, वृक्ष तो आपने रट लिया, राजकीय खेल जो बताया हॉकी, दोस्तों हॉकी कौन सी, फील्ड हॉकी। एक हॉकी तो होती है आइस हॉकी, ये फील्ड वाली हॉकी है जिसको आपके कौन सबसे ज्यादा फेमस कौन है हॉकी में, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ठीक है, और हम इसको राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं बनाते अपना राजकीय खेल, क्योंकि ध्यानचंद जी का जन्म भी हमारे यहीं हुआ है इलाहाबाद में। ठीक है, और हॉकी के जादूगर ये कहे जाते हैं, तो ये इनके बारे में अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये ऐसे आदमी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं तो भाई हम तो हॉकी को ही रखेंगे, ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ध्यानचंद की बात भी याद रखिए। तो राजकीय पशु बारहसिंगा, बिल्कुल देखिए जैसे ध्यानचंद जी के बारे में बताया इनका जन्म, तो ऐसी महान शख्सियतों के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिनका जन्म यूपी में हुआ है, तो बहुत बहुत महान शख्सियत, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। चलिए आगे, यूपी की शासनिक प्रशासनिक संरचना, तो शासन और प्रशासन की संरचना किस तरह की है तो वो सब बताएंगे इसमें। तो यूपी के 8 जिले NCR में शामिल हुए हैं, मतलब अभी भी हैं, आज भी हैं। वो कौन से 8 जिले हैं वो यहाँ आप देख सकते हो। देखिए आप NCR क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का, दिल्ली राजधानी है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो जो भी दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास का एरिया, तो क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वो सब पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कवर्ड है NCR में, जो उससे लगा हुआ है। अब आप सोचो हमारा वो जिला तो बहराइच जिला या इलाहाबाद जिला तो लगा नहीं है दिल्ली से, वो तो बहुत दूर है, तो इसके आसपास के जिले सोचो। एक बार अगर आप
देखिए यूपी का आप मैप रख लेंगे ना अपने पास, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो यूपी का मैप रख लीजिए, छोटा 10-5 रुपए का जो भी आता हो उसको ले आइए और उसको देखिएगा, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देखते रहा करो उसको, डेली एक आध बार नजर मार लिया करो चाहे, और ऐसा सोचा करो जब भी मैं एक बार मैप देखूं तो मुझे एक चीज नहीं पकड़नी है, चाहे मैं गौतम बुद्ध नगर को पकड़ूं, चाहे मुझे झांसी नहीं पता था मैं झांसी को देखूं, तो वो चीजें आपको एक बार देख लिया करो, बस दिन में एक चीज नहीं पढ़ लिया करो, बहुत कुछ सीख जाओगे। एक का उद्देश्य लोगे दिमाग में ऐसा बस जाएगा मैप, आपको नेपाल भी दिखेगा सब सटा हुआ, सारी बातें बताऊंगा अभी, लेकिन आप रख लो बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, ये सब सटे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और दिल्ली से भी सटे हुए हैं। तो ये पूरा वेस्टर्न जो यूपी है ना, पश्चिमी यूपी, वो सारे यही जिले हैं, पश्चिमी यूपी में ये सारे जिले आते हैं, ठीक है, और भी आते हैं मथुरा वगैरह जो प्रस्तावित है, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, हापुड़, ये सब भी किसमें है, ये सब भी देखिए प्रस्तावित, हापुड़ तो आ ही चुका है, हापुड़ को तो हम प्रस्तावित में नहीं कह सकते, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर कह दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीन जिले प्रस्तावित में भी है, तो ये पूरा मिला के वेस्टर्न यूपी बनता है, पश्चिमी यूपी, ठीक है, पश्चिमांचल बोल सकते हो जिसको। तो यूपी के चार भाग हैं बड़े बड़े, वो बताऊंगा, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल, ये चार भाग भी हैं, ठीक है, आगे बात करेंगे। तो यूपी, और हाँ लास्ट में एनसीआर में कौन सा राज्य, कौन सा जिला शामिल हुआ है यूपी का, ये सबसे बाद में हुआ है, अंतिम जिला शामिल होने वाला यूपी का कौन सा है, शामली, ये अभी शामिल नहीं हुए हैं, ये प्रस्ताव भेजा है गवर्नमेंट ने कि भाई इनको भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि फायदा होता है इसमें, विकास ज्यादा होता है एनसीआर क्षेत्र में, ठीक है। यूपी में द्विसदनात्मक विधानमंडल, तो यूपी में सबको पता है द्विसदन, द्विसदन कौन कौन से, एक विधानमंडल होता है, विधानमंडल, और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। और विधानमंडल और विधान परिषद क्या है, ये जो परिषद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक 7 राज्यों में है, ठीक है, सातवां भी अभी है, पहले 6 में ही थी, 2014 में हमारा तेलंगाना बन गया ना, तो सातवां वही है, ठीक है, पहले 6 में ही थी, तो ये यूपी उनमें से एक है। यूपी में तो होती ही जनसंख्या के आधार पर रहती है, एमएलए की सीट के आधार पर ये रहती है, तो एमएलए इनको बोलते हैं और इनको बोलते हैं एमएलसी, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो लोकसभा के समतुल्य ये होती है और राज्यसभा बिल्कुल ये होती है, तो हमारा केंद्र की जो संसद है वो तो द्विसदनात्मक है ही, लोकसभा राज्यसभा, ये राज्य की संसद, संसद राज्य की विधानमंडल बोली जाती है, ठीक है, और उसके 2 सदन, विधानमंडल, विधान परिषद, इनको एमएलए, इनको एमएलसी, केंद्र में जो राज्यसभा के सदस्य है वो भी एमपी, लोकसभा भी एमपी, लेकिन यहां दोनों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है, ये बात आपको शायद पता होंगी, पर फिर भी क्योंकि आप वो तो पढ़ते हो राजनीति, तो शास्त्र या जो भी पॉलिटिकल, तो उस सब में ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको संविधान में, है ना। 1937 से हमारा द्विसदनात्मक है लगातार, 1937 से आप देखो 37 में क्या था, ऐसा 37 में था, 1937 से हमारा नाम संयुक्त प्रांत हुआ था, हमारे प्रदेश का नाम, यूपी का नाम संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो उस संयुक्त प्रांत के टाइम से ही, क्योंकि संयुक्त प्रांत उस टाइम पर इलेक्शन हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी लेकिन इलेक्शन हुए थे अलग अलग, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे विधानमंडल 2 बना दिए गए थे, अलग अलग राज्यों में बट गई थी सरकार, ठीक है, तो तब से ही यहाँ विधानमंडल है, तो तब से ही हमारा नाम संयुक्त प्रांत भी है। वर्तमान में विधानसभा में 404 सीट है, बिल्कुल है, 403 तो निर्वाचित सीट है और एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है, ठीक है, तो ये तो राज्यपाल चुनता है, और ये जो 403 सीट है इनको, इनको तो हम लोग चुनते हैं एमएलए, इसको आपको पता ही है, ठीक है। 2000 तक 431 थे, अब कम क्यों हो गए, बढ़ने चाहिए, जनसंख्या तो बढ़ रही है, क्योंकि इस टाइम पे एक राज्य था जो हमसे अलग हो गया था, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड वो हमारा राज्य था, नवंबर 2000 में अलग हो गया था हमसे, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो वो ले गया था कुछ सीटों को, इस वजह से हमारी कम हो गई, राज्य थोड़ा सा हट, पहले जो है हमारा जो यूपी था ना वो कुछ एल शेप में था इस तरह से, तो ये उत्तराखंड का हिस्सा,
अब ये हमने काट के अलग कर दिया, अब हमारा यूपी ऐसे शेप में रह गया है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर जो पर्वतीय इलाका था, हर चीज में वहां पे फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि यहां देखिए मैदानी क्षेत्र था, ये पर्वतीय क्षेत्र था, तो इतना विकास नहीं हो पाता था। अब उत्तराखंड भी अच्छा विकास कर रहा है और यूपी का तो आप सबको पता ही है। चलिए आगे, तो विधान परिषद पे आता हूं। वर्तमान में 99 या 100 सीट है, देख लीजिएगा आप, 99 ही है शायद, 100 हो गई हो तो देख लीजिए। 1937 से यूपी में ये विधान परिषद भी है। सन 2000 तक 108 सीट थी, लेकिन हमने उत्तराखंड में विधान परिषद तो नहीं दी, पर फिर भी लोग घट गए, एमएलए घट गए, तो सीटें विधान परिषद भी घटेगी, उसी के हिसाब से होती है। चलिए आप समझ गए होंगे मेरी बात। यूपी के चार बड़े अगर मैं हिस्से करने लगूं, तो यूपी को चार बड़े हिस्सों में पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। पश्चिमांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य का भाग को मध्यांचल, और बुंदेलखंड के तो अलग ही 7-8 जिले हैं इसमें, वो तो आप याद कर ही लो, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन तीनों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कौन कौन से जिले हैं, लेकिन इसके जिले अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं भी लिखवा दूंगा आगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि ये सबसे छोटा हिस्सा बुंदेलखंड ही है इसमें। यूपी में वर्तमान में 17वीं विधानसभा कार्यरत है, यूपी में 17वीं, फिलहाल जो योगी जी मुख्यमंत्री चल रहे हैं ना, ये 17वीं विधानसभा है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक 42 महिलाएं, अब तक जितनी विधानसभा रही हैं, तो सबसे ज्यादा महिलाएं जो रही हैं विधानसभा में वो इस बार ही हैं, 42, ठीक है। तो 342 सीटों के साथ भाजपा सरकार राज्य में कार्यरत, 47 सीट के साथ सपा दूसरे स्थान पर, सबसे बड़ा दल है, दूसरा सबसे बड़ा दल सपा है जिसकी 47 सीट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, लग रहा होगा आपको कुछ इंपॉर्टेंस इस मटेरियल की भी, शासकीय प्रशासनीय ये थोड़ा सा होता है, थोड़ा टफ होता है, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नोट करिए, पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, रिक्वेस्ट मत करिएगा बार बार, ना मुझ पे बनानी आती है पीडीएफ, ना मैं दे पाऊंगा, मैंने लिखा है तो आप भी लिख लीजिए, मैं पढ़ाने के लिए लिख सकता हूं तो आप अपने एग्जाम के लिए भी लिख ही सकते हो वक्त पर, ठीक है। नोट्स बनाइए अपने हाथ के, याद रहेंगे बहुत अच्छे, मैं बता रहा हूं आपको, अपने हाथ के कभी भी बनाओगे तो। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला इलाहाबाद, ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला इलाहाबाद। तो सबसे ज्यादा एमएलए किसी एक जिले से हैं तो वो इलाहाबाद से है, ठीक है, याद रहेगा अब आपको। सबसे कम श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, तीन है, सबसे कम वाला तो मुश्किल ही पूछा जाए क्योंकि इसमें तीन तीन है, पर फिर भी आपको याद रखना, रख लीजिए, इनमें दो 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 एमएलए हैं सामने, ठीक है। तो ज्यादातर नॉर्मली 5-5, 6-6 एमएलए, 7-7, 8-8 होते हैं, सबसे ज्यादा इलाहाबाद में, याद रहेगी बात। राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लग चुका है यूपी में, जो सर्वाधिक है किसी भी राज्य के लिए, अंतिम बार 2002 में, गरिमत रही अब 15-16 साल से बिल्कुल नहीं लगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगर 915 है। देखिए राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती। अब तो बहुत दिन से देखिए, बसपा थी पूर्ण बहुमत थी, सपा थी पूर्ण बहुमत, बीजेपी पूर्ण बहुमत, तो करीब इतने सालों से तो लगातार ऐसे ही चल रहा है पूर्ण बहुमत ही, 2007 से। तो उस टाइम पे ये 7 से पहले तो मुझे ध्यान नहीं है पूर्ण बहुमत थी या नहीं, तो हो सकता है नहीं रही हो, उस टाइम पर लास्ट में लग गया था 2002 में, फिर इलेक्शन हुए, फिर 7 तक सरकार चली, फिर 7 से 12, इस तरह से चल रही है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगर 915, वैधानिक नगर 648, ये जनगणना के अनुसार कह लो या वहां जो चुनाव वगैरह होते हैं उसके अनुसार कह लो, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग जिनको पहचानता है, ठीक है। तो 915 कुल नगर वैधानिक नगर हैं, जिनको सरकार वैध मानती है, कुछ अवैध नगर भी बसे हुए होते हैं, जैसे कोई डूब क्षेत्र में बस गया तो उनको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, कॉलोनियां अप्रूव नहीं होती, आप सबको पता है, तो वैधानिक नगर गवर्नमेंट ने 648 ही माने, ठीक है। चलिए तो आगे, हाँ जी, तो ये है सबसे बड़ा मंडल संभाग, सबसे मंडल भी बोलते हैं और संभाग भी बोलते हैं, ठीक है, तो डिवीजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो संभाग मंडल, ये कौन सा है, कानपुर, ठीक है, लखनऊ भी बड़े में है, मेरठ भी बड़े में, ये बड़ा किस बेस पे लिया है, जिलों के हिसाब से, कि एक मंडल में कितने जिले। दोस्तों टोटल 18 मंडल है, और 18 मंडल में सबसे बड़ा, अब देखिए सबके हिस्से में तो 6-6 जिले नहीं आ सकते, 108 जिले तो है नहीं यूपी में, तो 6 जिले आ रहे हैं, तो 6 जिले वाला बड़ा ही माना जाएगा, ठीक है। और किसी में जबकि एक में 6 हो गए तो किसी में 2-2, 3-3 भी रहे होंगे, तो सबसे बड़ा आप याद रख लीजिए 3 है, बाकी में 5-5, 4-4 ऐसे भी हैं, लेकिन सबसे बड़े ये 3 है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ।
तो वैसे भी देखने में लगते हैं कानपुर भी बड़ा होगा, लखनऊ राजधानी बड़ा होगा, और मेरठ का तो सबको पता है पहले सबसे बड़ा जिला भी हुआ करता था और अब सबसे बड़ा मंडल भी है। तो 18वां मंडल अलीगढ़, ठीक है, 18वां मंडल है अलीगढ़। चलिए, तो जो लास्ट में बना है 2008 में, उससे पहले 17 ही मंडल थे यूपी में। तो यूपी में टोटल 28 विकास प्राधिकरण है जिनको हम अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। अपने अपने क्षेत्र की अथॉरिटी आप सबको पता होंगी कि भाई ये काम जो विकास प्राधिकरण के द्वारा होते हैं, कई जगहों पे ग्राम प्रधान भी नहीं बनता तो वहां पर विकास प्राधिकरण ही काम कराता है, जैसे हमारे यहाँ भी, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में भी ज्यादातर गांवों में अब विकास प्राधिकरण ही है, प्रधान ही है ही नहीं, तो ग्राम प्रधान नहीं होता। चलिए, ग्राम पंचायत खत्म हो गई है। तो आगे इसमें जिले सबसे यूपी में पता ही है 75 है, तहसील भी आप रट लीजिएगा 350 है, तो एक एक जिले में कई कई तहसील होती है, तीन तीन चार चार, तो उस हिसाब से 350 तहसील हो गई। नगर निकाय निगम, तो नगर निकाय निगम 17 है, ये चुनावों के आधार पर गिने जाते हैं। नगर निकाय पालिका परिषद के भी चुनाव होते हैं, तो उसमें 199 पालिका परिषद है, ठीक है। नगर निकाय पंचायतें 438। दोस्तों, ये रटने में तो थोड़ा सा जोर पड़ेगा, पर आप एक बार रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिला पंचायत, क्योंकि जिले 75 हैं तो जिला पंचायत भी उसी हिसाब से, हर जिले में एक पंचायत होती है 75। ब्लॉक, ब्लॉक तो आपको पता है जिले से छोटा, पहले ब्लॉक सोचिए अपना ब्लॉक कौन सा है, उस हिसाब से याद होंगी कि भाई एक जिले में कई कई ब्लॉक होते हैं इसलिए ये 821 बैठ रहे हैं। अगर ऐसे नहीं सोचोगे तब तक ये याद नहीं होंगे कि पालिका परिषद क्या होता है, पंचायतें क्या होती है। क्षेत्र पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें 821 ही समझ लीजिए, ब्लॉक ही होते हैं क्षेत्र पंचायतें। न्याय पंचायतें 8135 और ग्राम पंचायतें 59,019। जो ग्राम पंचायतें जिनमें इलेक्शन होता है गांवों में, आप गांव मत सोचिए गांव है 59,019, नहीं, कई बार दो दो तीन तीन गांवों की ग्राम पंचायत एक साथ होती है, दो तीन गांवों के इलेक्शन, तो एक ही ग्राम पंचायत गिनी जाएगी वो। और सभी जितनी भी ये पंचायतें बताई है ना मैंने, इनमें महिलाओं का आरक्षण 33% या कहिए 1/3 होता है, ठीक है, कुल सीटों का 1/3। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी चीजें रटने वाली आ गई हैं नीचे, अगर आप इनको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो भाई देखो क्या कर सकता हूं मैं, फिर तो आपको करना तो पड़ेगा ही, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है कई बार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। अब हम पढ़ेंगे भौतिक संरचना के बारे में कि यूपी कैसे बसा हुआ है, कहां अक्षांशीय है, तो भौगोलिक कहिए या भौतिक कहिए, फिजिकली कैसे बसा हुआ है यूपी। तो पहले मैं आपको यूपी का तब पता चलेगा भारत के सापेक्ष, अब आपको पता है भारत के मैप पे यूपी कहाँ पड़ता है, आप समझिए, एक तो है ग्लोब, ग्लोब पे भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, ये है क्या है, ये बीच की जो लाइन होती है भूमध्य रेखा, जो भूमध्य पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो भारत जो है, और ये जो ऐसी लाइन होती है इनको बोलते हैं देशांतर लाइन, ये होती है अक्षांशीय लाइन, तो ये दोनों 00 डिग्री पे खिंची होती है, ये 0 डिग्री ये समय बताती है, और ये जो है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्धित हो गया, आधा गोला गोलार्ध इसलिए बोलते हैं। अब भारत जो बसा हुआ है वो इस चतुर्थांश में बसा हुआ है, ठीक है, इस चौथाई हिस्से में, क्यों, क्योंकि वो पूरे विश्व के पूरब में है। देखिए, अब इससे हिस्सा इस लाइन से इधर पूरब है और इस लाइन से इधर पश्चिम है, तो पूरब पश्चिम ऐसे ही होते हैं, आप सबको पता है चार्ट पे पूरब पश्चिम, ये पूरब है पश्चिम, तो इधर पश्चिम इधर पूरब, और इससे लाइन से ऊपर ऊपर पूरा एरिया ये उत्तर का है और नीचे का एरिया दक्षिण का है, ठीक है। तो जो भारत पड़ता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो भारत का नक्शा पड़ता है, जो भारत का नक्शा पड़ता है पूरे विश्व में, वो यहां पड़ता है, ठीक है, यहां पड़ता है। चलिए, आप ऐसे समझ लीजिएगा ये भारत है, चाय की केतली सी लग रही है पर कोई बात नहीं, अब हमें ये समझना है। और अब भारत में भी यूपी कहाँ पड़ता है, तो यूपी बिल्कुल इस हिस्से में हो जाता है भारत के, भारत का मैप सबको पता है, मैं क्या बताऊं अब इसमें आपको, ठीक है। तो भारत पूरे विश्व के उत्तर में है, उत्तर में दिख रहा है और पूरब में है, तो उत्तर पूरब में बसा हुआ है पूरे विश्व पे, ग्लोब पे भारत उत्तर पूरब में, ठीक है। तो भारत का जो, अगर मैं इनकी अक्षांश और देशांतर की भारत की बात करूं, मैंने भारत बना दिया नीले कलर से, इस वाले कलर से, तो भारत की बात करूं तो भारत है दोस्तों, देखिए अब मैं ये जो है ये क्या है, मैंने अभी क्या बताया देशांतर, तो भारत का जो देशांतर ये विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, मैंने बताया ना ये जीरो, तो 8 यहां हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट
और कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो 8 से शुरू होके 37 तक भारत चलता है, तो 8 से शुरू होके 37 तक भारत चलता है। लेकिन ये क्या है पूरे विश्व के, अरे भाई ये है तो उत्तर ही, ये भी उत्तर है ये भी उत्तर है। भारत अगर यहां तक फैला होता तो मैं कहता निचला हिस्सा दक्षिण में चला गया, तो इसलिए पूरा नॉर्थ में ही है भारत, एन नहीं लगता है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर बोल देते हैं, जबकि ये दोनों ही उत्तर हैं। तो भारत का जो विस्तार है जिसको मैं कहूं, ये सॉरी ये इसको अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं, मैंने देशांतरी गलत कह रहा हूं आपसे, अक्षांशीय, अक्षांश फैले हुए ना ऐसे, ये तो अक्षांश है ना ऐसे, तो ऐसे ही तो देख रहे हैं हम भारत को, ये इस तरीके से, तो ऐसे तो अक्षांश है, देशांतर देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, पूरब से पश्चिम देखी जाती है देशांतर और उत्तर से दक्षिण देखी जाती है अक्षांश, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। अगर मैं इस बीच में, अब यूपी तो इसी बीच में पड़ेगा, भारत के अंदर ही पड़ेगा, तो वो फिर 8 से ना शुरू होके, 8 से तो भारत है तो वो शुरू होता है 23 से, तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं ऊपर 9 10 11 12, तो कभी 23 भी आएगा, जहां 23 आएगा 23 डिग्री 52 मिनट और 30 डिग्री 24 मिनट, 8 23 से शुरू होके और 30 तक यूपी पड़ता है, क्योंकि भारत के अंदर ही अंदर रहना, 37 से नीचे नीचे ही रहेगा यूपी, 37 से बाहर निकल जाएगा दूसरे देश में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 23 से 30 तक ऐसे ध्यान कर लीजिए मोटा मोटा, 52 और 24 थोड़ा सा बाद में याद कर लिए, पर याद तो करने पड़ेंगे अभी। और ये है आपका देशांतरीय विस्तार यूपी का, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, आप हिसाब लगाओ मोटा, मिनट का हिसाब लगाओ, ये डिग्री जो है ये मिनट है, वो डिग्री जो है ये मिनट है, ये डैश जो लग रहा है, ठीक है, कॉमा सा जो लग रहा है। तो देखो मोटा मोटा डिग्री देखो तो 7 डिग्री है ये भी, और 77 से 84 ये भी 7 डिग्री है, तो 7-7 डिग्री है ऐसे भी और ऐसे भी यूपी, ठीक है। हालांकि ऐसे यूपी बहुत लंबा है और ऐसे बहुत चौड़ाई बहुत कम है यूपी की, अगर मैं बात करूंगा, आगे बात करेंगे इस बात की भी, ठीक है। तो ऐसे तो यूपी, वैसे आपको बता दूं कि अगर यूपी को मैं ऐसे बनाने लगूं तो ये जो ऐसे चौड़ाई है ना यूपी की, ये तो 230-40 किलोमीटर के आसपास है, और ये जो ऐसे है ना ये करीब 800 कुछ है, 800-700 के आसपास है ये वाली। तो भारत यूपी ऐसे बहुत लंबा है, आपको पता ही है भाई, ये दिल्ली से शुरू होकर के, दिल्ली मतलब दिल्ली गाजियाबाद जो भी आपका हो, शामली है इधर तो सबसे उसमें, और यहां तक ये बिल्कुल जाता है लास्ट तक, बिहार को टच कर जाता है, तो वहां तक बसा पड़ा है, ठीक है। तो यूपी इस तरह से बहुत लंबा है, लेकिन डिग्री में ज्यादा फर्क नहीं है, डिग्री दोनों तरफ साथ साथ ही है, ठीक है। ये 68 है 97, तो यूपी तो इस बीच में ही पड़ती है, 68 से आगे 77 पे पड़ी और 84 पे खत्म हो गई, आगे और राज्य पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने यूपी और भारत दोनों के आपको याद करवाए हैं, देशांतर और अक्षांश। क्षेत्रफल भारत का सबको पता है, भारत का याद करोगे जरूरी है, इसके सापेक्ष ही तो आप याद करते हैं चीजों को। तो 32,87,263, कहीं कहीं आपको 268 भी मिल जाएगा, तो इतना थोड़ा मोड़ा किलोमीटर में तो फर्क पड़ जाता है। वर्ग किलोमीटर यूपी का 240,928 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा मोड़ा अगर कहीं अंतर मिले नेट वेट पे तो बिल्कुल घबराइए मत, वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री तो निश्चित रहती है, लेकिन जो इंटर स्टेट बाउंड्री है तो उस पे इतना विवाद भी नहीं होता, है तो अपना देश, केंद्र ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, ठीक है यूपी में नहीं होगा ये, थोड़ा एमपी में कुछ चला जाएगा, क्या हो गया, ठीक है। पर फिर भी बाउंड्री निश्चित करनी है, पुलिस भी निश्चित करनी है, सब कुछ भाई, ये नहीं तो उस क्षेत्र में, विवादित क्षेत्र में कोई आदमी मरा पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा, वो कहेगा पुलिस वाले हमारे क्षेत्र में भी नहीं है, हमारे में भी नहीं है, तो भाई वो चीजें थोड़ा सा मैनेज करने के लिए सब बाउंड्री तय करनी पड़ती है। तो यूपी क्षेत्रफल में देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और अगर आप इसको क्षेत्रफल का परसेंट देखोगे ना, पूरे भारत का ये कितना परसेंट है, तो 240,000 बटे कर दो 32,87,263 गुणा 100 कर लो, ये आता है 7.33%, ठीक है। निकाल सकते हो ना परसेंटेज, आपको पता है कैसे निकालते हैं, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, रट लो। तो भारत के क्षेत्रफल का, यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। और चार बड़े राज्य जो यूपी से बड़े हैं क्षेत्रफल, पहले तो जब उत्तराखंड था ना एल शेप में था जब यूपी, तो उस टाइम पे तो और भी नीचे हुआ, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, तो ये जो है ये उत्तराखंड था, तो जब ये इसमें मिला हुआ था सबसे बड़ा राज्य था उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन 2000 के बाद राजस्थान फिर सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ये राज्य भी बट गया, सब बट गए, तो महाराष्ट्र तीसरे पर और यूपी चौथे पर चला गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब चलिए यूपी के और बारे में तथ्य भी जानते हैं कुछ, और यूपी से लगे राज्य व देश,
ठीक है दोस्तों, वीडियो बढ़ा जा रहा हो कोई बात नहीं, मैं 3-4 वीडियो में दूंगा तो थोड़ा सा बढ़ा तो जाएगा, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर उम्मीद करता हूं आपको समझ में सब चीजें आ रही होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूं। कंटेंट भी इतना अच्छा है ना, ये बहुत मेहनत करके कंटेंट मैंने लिखा है, बहुत जगह से खोज करके। चलिए कोई नहीं, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगली वीडियोस मेरे तभी उत्साह मिलेगा कि मेरी वीडियो काफी देखी जानी है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट मुझे दे रहे हैं, तो कमेंट भी जरूर करिए, लाइक तो करोगे ही आप, तो इससे थोड़ा हौसला मिलता है हम लोगों को। और कुछ नहीं, पैसे आप चाहे मत, अब तो आ रहे हैं खैर मेरे पैसे भी, पर ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कमेंट जरूर आने चाहिए, पैसा आओ या मत आओ उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यूपी से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश नेपाल, यूपी से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल। यूपी से सिर्फ एक ही देश की सीमा लगती है और यूपी के 7 जिलों की लगती है। इससे मैं वो 7 जिले बताऊंगा, अभी नीचे लिखे हैं तो उनको आपको रटना भी पड़ेगा। देखो कुछ तो काम करना ही है, जीके है तो भाई रटने का काम करना तो पड़ेगा ही। अब यूपी से 8 राज्यों की सीमा भी लगती है जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। भारत के सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है सबसे ज्यादा राज्यों से? तो वो यूपी की लगती है 8 राज्यों से, और किसी राज्य की, आप कहो यूपी के ऊपर से तो किसी से लगता ही नहीं है, सिर्फ नेपाल से उत्तराखंड से लगता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो चारों तरफ से लगे हुए हैं, जैसे आप कहो मध्य प्रदेश चारों तरफ से घिरा हुआ है, तभी तो मध्य प्रदेश नाम है, फिर भी वो 5 राज्यों से ही मिलता है। सबसे ज्यादा तब भी यूपी, आप चेक कर लेना मैप पर, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी लगता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं यूपी जो 8 राज्यों से लगता है वो कौन कौन से हैं। तो मैंने मान लिया ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी कुछ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये पूरा यूपी है, ठीक है, इसमें यूपी का मैप बना हुआ, ऐसे मान लीजिए। अब आप देखोगे तो यूपी के इस साइड, ऐसे भी पूछ लेता है कई बार कि उत्तर उत्तराखंड यूपी के किस साइड है, तो कोई उत्तर कहे कोई उत्तर पश्चिम कहे तो बात दोनों ही सही है, दोनों ही जाया जाए, ठीक है, उत्तर में कह दे तो भी ठीक है, अगर कहे उत्तराखंड यूपी के किस ओर है पूरब की तरफ तो आप कहेंगे गलत, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए दिशा के हिसाब से बना दिए, सब बिल्कुल इसी साइड में है ये सब। तो उत्तराखंड इस साइड में, नेपाल इस साइड में यूपी के, तो नेपाल यूपी के किस साइड में? अगर आप कहो उत्तर साइड में, बिल्कुल सही है। कोई कहेगा उत्तर पूरब में, तो इतना सही नहीं है क्योंकि ये नेपाल ऐसे बसा हुआ है, तो उत्तर में ही कहना ज्यादा सही है, ठीक है। हरियाणा यूपी के किस साइड में? तो पश्चिम साइड में कह दो, क्योंकि फैला हुआ है पूरा, मिले पड़े हैं सारे राज्य। राजस्थान दिल्ली से भी मिलती है यूपी की सीमा, आपको पता है दिल्ली बिल्कुल छोटी सी है और दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घिर रखा है, एक तरफ से यूपी से घिरी हुई है। तो यूपी किस तरफ से उत्तर प्रदेश से लगती है? तो दिल्ली उत्तर प्रदेश से किस तरफ से लगती है? तो दिल्ली की तो ये साइड पूरब है, पूरबी तो हुई दिल्ली की साइड, तो दिल्ली पूरब की साइड से लगती है। यूपी की कौन सी साइड दिल्ली से लगती है? तो यूपी पश्चिम की तरफ से लगता है दिल्ली से, तो यूपी तो इधर पश्चिमी है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन दूर रखना। हरियाणा पश्चिम में ही है यूपी के, राजस्थान थोड़ा इस साइड में आ जाता है, मध्य प्रदेश दक्षिण में है यूपी के, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है तो वो इस साइड है, झारखंड यहां है, और बिहार और झारखंड दोनों पूरब में कह सकते हो आप, छत्तीसगढ़ को दक्षिण पूरब में कह सकते हो, और दक्षिण में सही मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैंने चार्ट बनाया ताकि आपको याद भी हो जाए, और आप मैप पे देखना, भारत का मैप अगर आपके पास हो तो ऐसे ही लिख रहे हैं राज्य है, नहीं लिख रहे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। और नेपाल, नेपाल भी यूपी से लगता है, बिल्कुल ऐसे बना हुआ है नेपाल का नक्शा, आप सबको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये 7 राज्य यूपी के इसको टच कर जाते हैं। वो कौन कौन से 7 राज्य हैं? सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, महाराजगंज, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और बहराइच। तो ये 7 जिले हैं जो यूपी के इस नेपाल को टच करते हैं, सिर्फ एक ही देश से यूपी की सीमा लगती है। चलिए बहुत अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, अच्छी तो आपको तब पता चलेंगी जब एग्जाम में आएंगी। मैं ये नहीं कहता एग्जाम में सब कुछ इसमें से आएगा, पर आपको ये खुद लगने लगेगा कि बहुत कुछ इसमें से आएगा, ठीक है। और आता है, आप देखो कोई भी एग्जाम उठा के, सब में मिलेंगे इससे क्वेश्चन। यूपी गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है, यूपी गोंडवाना एक प्लेट है। देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है कि भारत में कई सारी प्लेट है, भारत जिन पे बसा हुआ है, पृथ्वी के अंदर प्लेट है, तो भारत के अंदर 2-3-4 प्लेट आती है, तो उनमें कौन सी प्लेट पर है यूपी? तो गोंडवाना प्लेट पर है,
ठीक है, प्लेटों के घर्षण से ही तो भूकंप वगैरह आते हैं, सुना है ना आपने, तो वही गोंडवाना प्लेट है ये। तो ये प्लेट किस युग में बनी हुई है पृथ्वी में, तो कैम्ब्रियन युग, ऐसे आप रख सकते हो कैम्ब्रियन युग। तो ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस के हैं, कोई बात नहीं, हमारे यहां भी आ सकते हैं, वीडियो में भी आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल रट डालिए इनको। जिलों की अवस्थिति किस तरह से है यूपी में, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर सबको पता होगा, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है, जो बिल्कुल एनसीआर में लास्ट में शामिल हुआ है। एनसीआर में तभी तो पश्चिम में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यही तो है। आपको चार्ट के हिसाब से याद करना है तो एक चार्ट देख लीजिएगा, सहारनपुर शामली सोनभद्र बलिया, तो इस तरह से ऊपर यूपी के, हालांकि यहां नहीं है, पर मैं आपको बताऊं जैसे ये सहारनपुर यहां बसा हुआ है, फिर आपका ये उत्तर में कैसे हो गया, यहां भी तो कोई हो सकता है, तो वो क्यों नहीं उत्तर में। दोस्तों आप एक बात बताओ, एक राज्य बिल्कुल यहां है लेकिन इसका ये भाग ऊपर निकला हुआ, इसके इस हिस्से से ये भाग ऊपर है, तो अब आप उत्तर में इसको सबसे उत्तरी इसको बोलोगे या इसको, जो भाग सबसे ऊपर निकला हुआ है तो वो किसका निकला हुआ है, इसका, सहारनपुर जिले का। तो यहां नहीं है सहारनपुर, सहारनपुर इस साइड में है, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है सबसे वो सहारनपुर का है, इसलिए सहारनपुर को सबसे उत्तरी जिला बोला जाता है। अब शामली इस साइड है आपका, हालांकि यहां भी कोई जिला तो है ही, गाजियाबाद है, लेकिन शामली का ये हिस्सा सबसे ज्यादा इधर को आया हुआ है, तो अब हम कहेंगे पश्चिम में सबसे ज्यादा हिस्सा वो शामली का ही है, तो पश्चिमी हिस्सा शामली, पश्चिमी जिला शामली। सेम स्थिति सोनभद्र की भी है, क्योंकि सोनभद्र यहां नहीं है, इस तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिण में यही फैला हुआ है नीचे तक, ठीक है। बलिया सबसे ज्यादा पूर्व में, ठीक है, याद रहेंगी ना, तो पूर्वी कौन सा जिला है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, ये मेरे ख्याल से अब आप याद कर लोगे बड़े आराम से, क्योंकि ये उत्तराखंड, देखो जब भी जाते हैं उत्तराखंड तो सहारनपुर होते हुए जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग तो सहारनपुर होते हुए ही जाते हैं, ठीक है, दिल्ली की तरफ से कभी भी जाओगे तो इस वजह से आप कह सकते हो सहारनपुर उत्तरी है, क्योंकि उत्तर में ही तो है उत्तराखंड, तो इस वजह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो इसको। चलो कोई बात नहीं, खैर जितना भी समझ में आया उतना समझ लीजिए। यूपी से लगे भूभाग और इससे अलग कौन से भूभाग हैं, ये तो है ही भूभाग, ये भी भूभाग ही थे लेकिन ये राज्य थे। अब ऐसा राज्य वाज्य नाम नहीं आएगा उनका, कुछ इस तरह से पर्वत। देखिए किसी भी राज्य की, किसी भी देश की सीमा कौन बनाता है, सीमा किस तरह, कोई डंडे तो खींचे हुए नहीं है, है ना, कि बाउंड्री का चित्र रखिए, मसाले में चिनाई करवा रखिए, ऐसे तो होगा नहीं। फिर क्या है, ये नदियों नहरों पर्वतों से झीलों से राज्यों की बाउंड्री तय करते हैं, ऐसे ही देशों की भी बाउंड्री तय होती है, ऐसे ही महाद्वीपों की भी बाउंड्री तय होती है, ठीक है। तो उस तरह से ये तय हुई है यूपी की बाउंड्री, तो यूपी के भूभाग आप समझ लीजिएगा। यूपी जब उत्तर में, जब उत्तराखंड और यूपी के बीच में, उत्तराखंड और यूपी के बीच में मैं बात करूं तो ये पूरी नेपाल तक एक पहाड़ी फैली हुई है, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक पर्वत, वो पूरे उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तर की साइड में ये बाउंड्री बना देते हैं पूरे यूपी की, ठीक है। और अब चूंकि उत्तराखंड से एक नदी निकल के आती है इस साइड में, वो यमुना फिर घूम जाती है इस तरीके से और जाके फिर गंगा में मिल जाती है, तो इस तरीके से जो यमुना नदी निकली है तो पश्चिम में सीमा बन गई, क्योंकि दिल्ली से होके जाती है, दिल्ली लास्ट हो गया इधर, तो ऐसे यमुना के सहारे पूरी बाउंड्री पूरी यूपी, गूगल मैप पे देखना कभी, यूपी की बाउंड्री यमुना के साथ साथ है, ठीक है। आधी यमुना आ जाती है, कहीं पूरी यमुना आ जाती है यूपी में, कहीं हरियाणा में चली जाती है यमुना, ठीक है, आधी यमुना, तो इस तरीके से यूपी की बाउंड्री बनती है। अब चूंकि इससे तो और भी, ये इलाहाबाद की तरफ से एक नदी और आ जाती है इलाहाबाद की तरफ से यूपी में, वो गंगा नदी है, और ऐसे आके बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और इसके बीच में ये मिल जाती है यमुना भी, इससे कहां पे, गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में है, आप सबको पता है, ठीक है, प्रयाग होते हुए तो गंगा यमुना मिल जाती है इलाहाबाद में। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये दोआब क्षेत्र कहलाता है, ये कृषि के लिए बहुत अच्छा है, तो ये जो गंगा यमुना का क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो इधर आपकी जो बाउंड्री बनाई वो किसने बनाई, ये बनाई यमुना ने, ठीक है। तो गंगा तो इस तरफ हो जाती है, लेकिन ये गंगा तो भाई इसमें इलाहाबाद तक ही है, लेकिन हमारा तो बलिया तक गया हुआ है बाउंड्री। तो इधर जो है एक और नदी आती है, वो नदी का नाम है आपकी गंडक, ठीक है। तो गंडक नदी
और इधर पूरब में कौन सी नदी है, गंडक, और इधर कौन, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी जाके मिल जाएगी इसमें, और यमुना इधर नदी है, ठीक है। तो पूरब में गंडक, पश्चिम में यमुना, उत्तर में शिवालिक पहाड़ी, और दक्षिण में एक और है, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में एक और बाउंड्री बनाती है जिनको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ी, ठीक है। तो विंध्याचल की पहाड़ी भी सीमा बनाती है यूपी की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, देखिए आप ऐसे समझ सकते हो कि यूपी की है ये, यूपी से ऊपर यहां इन दोनों यूपी और यूके के बीच में शिवालिक है, इधर यमुना है, इधर गंडक है, और इधर विंध्याचल है एमपी, एमपी से ऊपर और यूपी से नीचे विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, ये पूरी एमपी में ही आती हैं ज्यादातर, आप ऐसे कह सकते हो पर्वत श्रेणियां एमपी में चली जाती हैं, तो यूपी इससे ऊपर ऊपर रह जाता है, ठीक है। अर्थात ऐसे आप समझ लीजिएगा, बहुत तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, चार्ट आपको बना बना के दिए। चलिए आगे बताते हैं, यूपी के तीन बड़े भाग आप कर सकते हो, जैसे यूपी को अगर मैं इस क्षेत्र में मानूं तो ऐसे तीन बड़े बड़े भाग इन्होंने माने हैं, जो उत्तराखंड से और जो नेपाल से लगा हुआ हिस्सा है उसके काफी नीचे तक तराई, चूंकि पहाड़ है ऊपर तो ठंड रहती है, भावर व तराई का क्षेत्र आप ऐसे समझ लीजिए इसको, बस याद करने के लिए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है भावर और तराई का क्षेत्र, तो ये मैंने यूपी मान लिया, ऐसा नहीं है नक्शा, और ऐसे तीन बड़े भागों में इसको बांट सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था इधर यमुना है, इधर गंगा आ जाती है, और गंगा यमुना के बीच का जो भी क्षेत्र है उसको गंगा यमुना का मैदानी भाग कहते हैं। इसमें कृषि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी तो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो इस तरफ है यूपी के, ज्यादातर इस हिस्से में है ये, इस तरफ, क्योंकि यमुना ऐसे घूम जाती है ऊपर इलाहाबाद की तरफ, तो जो हिस्सा यहां बचता है वो हिस्सा है तीसरा, दक्षिण का पहाड़ी व पठारी भाग जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा भाग यही है गंगा यमुना का मैदानी भाग, ठीक है। पूरा यूपी इसमें, अवध यही बोला जाता था पहले, तो दक्षिण का पहाड़ी व पठारी भाग, तो उसको हम बोलते हैं सर्वाधिक खनिज इसमें ही पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी है, यहाँ खेती तो हो नहीं सकती, कंकरीली पथरीली लाल मिट्टी यहाँ मिलती है, तो यहाँ पर खनिज मिलते हैं ज्यादा, तो डोलोमाइट, फेल्सपार वगैरह, मैग्नीज जितने भी पाए जाते हैं यूपी में, तो ये खनिजीय क्षेत्र है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इकोनॉमिक दृष्टि से यूपी का। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपने आज यूपी के बारे में ली, उम्मीद करता हूं आप बहुत सेटिस्फाइड रहे होंगे मेरी जानकारी से, लेकिन मैंने जो बातें बोली हैं, शेयरिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, आप एक दूसरे को बताओ, मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरा साथ दिया तो मैं पूरी जीके, हो सकता है मैं पूरी जीके की क्लासेस भी आपकी लाऊं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मैं बाकी चीजें तो आपको पढ़ा ही चुका हूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जिनको नहीं देखी जिन लोगों ने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारी वीडियोज की अपने, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जिसको जो भी देखना है देख सकते हो, और अब यूपी जीके भी करा रहा हूं, करंट भी मैंने कराई है, करंट की भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, करंट अफेयर्स का भी, अभी मैं नवंबर दिसंबर का करंट और भी कराऊंगा, तो वो टेंशन मत लो आप, पूरे एग्जाम की तैयारी फिट फोर करके भेजा जा रहा है आपको। बाय बाय।